हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कवलदीप सिंह और मैं अभी आपको गटा फ्लो 2 दिखाने जा रहा हूँ। गटा फ्लो 2 जो है वो कोल्टीन का मटेरियल है। कोल्टीन के जो मटेरियल है उनमें इसके अंदर गट्टा पल्चर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और जब वो उसके कंसंट्रेशन के साथ मिक्स होता है तो वो फिर धीरे धीरे करके सेट होना शुरू हो जाता है। आप इसको जब ये इसके सारे पार्ट्स देखिए और इसको आराम से किसी भी कैनाल में भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए इसके बॉक्स के अंदर ये स्टॉपर्स होते हैं। स्टॉपर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि आपके कितनी नीडल कैनाल के अंदर डालनी है। ये नीडल से डलता है और ये इसकी ये नीडल्स हैं। ये नीडल्स काफ़ी पतली होती हैं, जस्ट लाइक जैसे मेटापैक्स की नीडल होती है उसी तरीके की नीडल्स होती है। बस मेटापैक्स की नीडल कर्व्ड होती है, इसकी नीडल स्ट्रेट होती है। जिस भी शेप में चाहे वो नीडल ये मुड़ जाती है। और इसके अलावा फिर इसकी एक गाइड है, इस गाइड में बताया हुआ है कैसे आपको सारी टेक्निक से ये फिल करना है। कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप इसको कैनाल के अंदर डालिए और प्रेस करिए और ये कैनाल को फिल कर देगी। और जस्ट लाइक कोई भी आप मेटापैक्स डालते हैं या कोई भी आप अदर मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ये कैप्सूल कैसा है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये 10 कैप्सूल्स हैं और ये एक कैप्सूल ये इस तरीके का होता है। अब मैं थोड़ा पास ला के आपको दिखाता हूँ कि ये कैप्सूल जो है ये आगे से ये इसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैप है और इस ग्रीन कलर की कैप के साथ ये पीछे से इसका एक बटन है और इस बटन को आप जब प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर पंच हो जाएगा और फिर उसके बाद इसके आगे की तरफ नीडल लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है गट्टा पल्चर को फिल करने का रूट केनाल के अंदर। अगर आप किसी भी रूट केनाल को फुल्ली सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का गट्टा पल्चर यूज़ करना पड़ेगा। ये कोल्टीन का मटेरियल है और तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं इसके, तो अगर आप चाहें तो आप सिंगल पीस भी मंगवा सकते हैं, या अगर आपको 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस चाहिए, मतलब पूरा बॉक्स नहीं अगर ख़रीदना चाहें, सिंगल पीस भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं ट्रायल के लिए। और उसके बाद अगर आप बैलेंस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बॉक्स लेना चाहें और अच्छी बात है। अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो आप अपने कमेंट्स इसके वीडियो के नीचे ज़रूर दें, जिससे कि हमें भी और इसको अच्छा बेटर प्रेजेंट करने में हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।